हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। देखो भाई, यहाँ पर आप पीछे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक पेपर की कटिंग है हमारे, और इस पेपर में क्या लिखा हुआ है न्यूज़पेपर में, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली जो स्टूडेंट एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पिछले 5-6 महीने से लगे हुए हैं, एचपीएससी ने नोटिफिकेशन निकाला, एग्ज़ाम की डेट रिलीज की, वो आगे बढ़ती रही, कोर्ट केस चलते रहे, फिर वो नोटिफिकेशन विदड्रॉ कर लिया गया। अब क्या है, अब कब नोटिफिकेशन आएगा नया, इसके बारे में बच्चे सोच रहे हैं कब नोटिफिकेशन आएगा। ये तो पता चल गया है कि अब पेपर का पैटर्न क्या होने वाला, पहले एक प्री होगा एमसीक्यू टाइप का, फिर सब्जेक्टिव मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, लेकिन नोटिफिकेशन कब आएगा, कब ये पेपर होगा, इसकी सभी को बेसब्री से इंतजार है। तो इस न्यूज़पेपर के बारे में हम देखते हैं, इस न्यूज़पेपर में कुछ दिया है इसके बारे में, तो वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं क्या है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, इसमें बेटा हमारे पास दिया हुआ है, जो इसमें सबसे पहले तो देखो ये लिखा है, स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए सिर्फ 6 जिलों में बनेंगे केंद्र। सबसे पहले तो अभी जुलाई से लेके यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी की कुछ भर्ती होनी है, 1 जुलाई से 30 सितंबर तक हर शनिवार और रविवार को एग्जाम होंगे। शनिवार और रविवार को, 1 जुलाई से 30 सितंबर तक हर शनिवार और हर रविवार को एग्जाम होने हैं हरियाणा में। और ये ग्रुप सी जो हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट होना है ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए, उनके लिए पहले बताया गया है कि ये पूरे हरियाणा में ना होके अब केवल जो है यहाँ पे 6 जिलों में होंगे हरियाणा के। 6 जिले ही क्यों कर दिए गए, क्योंकि कुछ जिले जो है सेंसिटिव थे नकल के मामले में, वहां पे नकल के केस बहुत ज्यादा आ रहे थे कि नकल कराई जा रही, पेपर आउट हो रहे इस तरह से। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम 6 जिलों में ही एग्जाम कराएंगे और वहां पे मेन फोकस रखेंगे कि इस तरह की घटनाएं ना हो, पेपर सही तरीके से कंडक्ट कराया जाए। और वो 6 जिले कौन कौन से, पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और यमुनानगर, यहां पर एग्जाम होंगे। अब दूसरी जो हम यहां पर मेन बात करने वाले वो है यहां पर ये शिक्षकों के 20,000 पदों पर भर्ती होगी जल्दी, ठीक है। जैसे आपको पता है कि एचपीएससी में स्कूल शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा है कि स्कूलों में शिक्षकों के 20,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, जिसमें टीजीटी के 7400 वैकेंसी है, पीजीटी की 4400 है और बाकी जो है वो पीआरटी वगैरह बाकी शिक्षकों की 9,000 वैकेंसीज है। तो टोटल जो है 20,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसीज निकलेंगी, नोटिफिकेशन दोबारा से होगा। इसके लिए इन्होंने कहा बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक में भर्ती का पूरा खाका तैयार किया जाएगा। बुधवार मतलब 24 मई 2023 को एक मीटिंग होनी है, उसमें डिसाइड कर लिया जाएगा कि नोटिफिकेशन वगैरह में क्या क्या देना है सब। और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है कि स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुज्जर के मुताबिक अगले महीने से शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी जून महीने में जो है ये नोटिफिकेशन आउट होने के, रिलीज होने के चांसेस हैं कि जून में एचपीएससी का, टीचर्स का, पीजीटी, पीजीटी, पीआरटी भर्ती परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है वो आउट किया जा सकता है, रिलीज किया जा सकता है। तो फिर उसके भी एग्जाम जो है शायद शनिवार रविवार जो दिए हुए हैं जुलाई से, क्या पता फ्री वाले एग्जाम उसी में स्क्रीनिंग के साथ ही वहां पे भी कराए जाए। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एचपीएससी की, तो वो फोकस रखें, ठीक है, अपनी तैयारी को चालू रखें और ये बहुत ही अच्छा होगा, जल्दी से जल्दी हो जाए, इतने दिन से बच्चे वेट कर रहे हैं, एग्जाम जल्दी से कंडक्ट हो जाए जिस भी तरह का।